नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका पांडे, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको देश दुनिया की खबरों की जानकारी मिलती रहे, आप तक पहुँचती रहे। आइए चलते हैं, यह घटना दिल्ली की है, दिल्ली से जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने कुत्ते को मारा और उस गुस्से में उस मालिक ने उस इंसान को गोली से उड़ा दिया, गोली से मार दिया। आइए चलते हैं, देखते हैं उसने ऐसा क्यों किया। वेलकम दिल्ली में यह वेलकम इलाके की खबर है। वेलकम इलाके में एक दिन दहलता देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कुत्ते पर पत्थर फेंकने को लेकर एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की जान केवल इसलिए चली गई क्योंकि वह एक पालतू कुत्ते को पत्थर मार दिया था। देखते हैं दोस्तों उसने ऐसा क्यों किया, क्यों पत्थर मारा और उसकी जान क्यों चली गई। मामला पूरी दिल्ली के वेलकम इलाके की है। यहां कुत्ते पर पत्थर मारने से नाराज मालिक ने एक 30 साल के आदमी पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद इस अफाक नाम के इस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले पर दर्ज करते हुए फिलहाल अपनी जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबरों की माने तो अफाक रविवार को काम करके अपने घर लौट रहा था और घर लौटते टाइम तभी घर के पास एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा। वह कुत्ता पालतू था, भौंकने लगा। उसे लगा कि ये कुत्ता मुझे कहीं मार न दे, काट न दे। इस डर से उसने एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते के ऊपर फेंक दिया। ऐसा करने पर कुत्ते का जो मालिक था वह भड़क गया, उसे गुस्सा आ गया। वह अंदर गया और अपनी पिस्तौल निकालकर उस आदमी पर गोली चला दी। गोली लगते ही अफाक वहां गिर पड़ा और तुरंत भीड़ वहां एकत्रित हो गई। उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। उस शख्स को जिसे गोली लगी थी उसे तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी का नाम मेहताब बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की इस तरह की वारदातें पहली नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है, उत्तम नगर में एक आदमी ने गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया था। वहीं दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रोंगड़ी का एक गुटका बार मालिक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिन-ब-दिन यह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिन-ब-दिन में ही लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। छोटी सी बात पर कुत्ते को पत्थर मारा, उसका मालिक गुस्सा हो गया और उसे पिस्तौल निकाली और घर से गोली मार दी। उस लड़के की तुरंत जान चली गई। दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे रिपीट कर रही हूँ कि बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें, जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।